खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार आज के खाने खजाने की शुरुआत हम करेंगे खीरे और टमाटर से खीरा टमाटर हर जगह उगता है हर जगह खाया जाता है ऐसे ही खाया जाता है सैलेड बना के खाया जाता है तो देखते हैं एक सैलेड खीरे और टमाटर का घबराइए नहीं सैलेड तो है खीरे और टमाटर का लेकिन उसमें जो खासियत है वो है उसकी ड्रेसिंग कोरिएंडर की ड्रेसिंग और उसके बाद एक और बढ़िया डिश मैं आपको बताऊंगा वो है स्पिनच फेतुचीनी विथ टूना सॉस और उसके बाद उससे भी बढ़िया एक डिश क्योंकि स्वीट डिश है मीठी चीज है तो उसके बाद आप देखिएगा चॉकलेट ब्रेड एंड बटर पुडिंग तो शुरुआत करते हैं खीरे और टमाटर के सैलेड का लेकिन कोरिएंडर ड्रेसिंग के साथ इसके लिए हमें चाहिए दो मीडियम साइज कोकुम्बर दो बड़े लाल टमाटर दो हरी मिर्चें तीन चौथाई कप धनिया के पत्ते तीन बड़े चम्मच नींबू का रस दो बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल नमक स्वादानुसार और एक बड़ा चम्मच चीनी इस सैलेड के लिए सबसे पहले आप जो कुकुम्बर है खीरा है ककड़ी है उसे आप छील लें और छीलने के बाद इसको हम इस तरह से आधा लंबा काटेंगे और अब इसके हमने बीज निकालने हैं आप बीच में से इसके बीज निकाल लें इस तरह से काट के और इसके बाद इस खीरे को हम काटेंगे इस तरह से आप देखिए ये इस शेप में खीरा कटेगा बीज निकलने के बाद जितना खीरा है इस शेप में आप काट लें इसके बाद हम काटेंगे टमाटर ये जो टमाटर है एकदम लाल बढ़िया फर्म टमाटर आप ले लें सॉफ्ट मुलायम नरम टमाटर नहीं लेना है और इसके बाद टमाटर को हम काटेंगे ऊपर से निकालकर हमने खीरे के बीज निकाले हैं लेकिन टमाटर के बीज रखेंगे इस सैलेड में इस तरह से टमाटर को काट लें ना ज्यादा छोटे टुकड़े ना ज्यादा बड़े इस तरह से आप देखिए कभी भी आप टमाटर काटें तो आप कई तरह के उसको काट सकते हैं आप चाहें तो इस तरह से लंबा लंबा भी टमाटर काट सकते हैं आप चाहें तो इसको इस तरह से काट लें इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए इसको हम मिक्सी में तैयार करेंगे क्योंकि एक कोरिएंडर ड्रेसिंग है तो इसमें अच्छा हरा कोरिएंडर ले लें ले, यानी धनिया के पत्ते ले लें बढ़िया क्वालिटी का एकदम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स आप लें ले। और इसके बाद इसमें बाकी चीजें हम डालेंगे नींबू का रस नमक चीनी और दो हरी मिर्चें और इसके बाद इसके अंदर डालें ऑलिव ऑयल इन सब चीजों को हमने पीसना है जब आप इस ड्रेसिंग को तैयार कर लें, इसे निकाल लें देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया इस ड्रेसिंग का अब ये खीरा और टमाटर इकट्ठा मिक्स कर लें, लेकुम्बर जिसमें से हमने बीज निकाले हैं और टमाटर जिसमें हमने बीज रहने दिए दोनों चीजों को मिक्स कर लें। और इसके बाद इसमें डालें ये ड्रेसिंग फ्रेश कोरिएंडर ड्रेसिंग ड्रेसिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ड्रेसिंग मिक्स करने के बाद आप इमीडिएटली सैलेड को सर्व कर दें यदि आपने और ज्यादा मजा लेना है तो खीरे और टमाटर को पहले फ्रिज के अंदर चिल करके उसके बाद जब आपने सैलेड सर्व करना है उस समय इसके अंदर ड्रेसिंग मिलाएं और इस बढ़िया कोリアンダー ड्रेसिंग वाले सलाद का मज़ा लें इसके लिए आप खीरे में कटे टमाटर डालकर इनको अच्छी तरह से मिला लें अब एक मिक्सी के अंदर हरा धनिया नींबू का रस नमक चीनी हरी मिर्चें और ऑलिव ऑयल को डालकर इसकी पेस्ट बना लें और उसके बाद इस पेस्ट को खीरे और टमाटर के साथ डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं और सर्व करें अब बारी आती है एक पास्ता की स्पिनच फैतुचीनी विद टूना सॉस यानी फिश की सॉस है और फैतुचीनी के साथ है देखिए क्या क्या पड़ता है इस बेहतरीन डिश में इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम स्पिनच फैतुचीनी 100 ग्राम टूना फिश 8 से 10 गार्लिक क्लोज, चार मीडियम साइज ब्लांच टमाटर एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ चार बड़े चम्मच टोमेटो केचप, नमक स्वादानुसार आधा छोटा चम्मच ड्राइड बेसिल, एक बड़ा चम्मच तेल एक बड़ा चम्मच मक्खन और एक छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च इस डिश के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं एक तो स्पिनच फैतुचीनी जो मार्केट में मिल जाता है यानी ये नॉर्मल फैतुचीनी है जिसका जब डो बनाया जाता है तो उसके अंदर स्पिनच की प्यूरी बनाई जाती है आप फ्रेश भी बना सकते हैं यहां पर हम ड्राइड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ इसमें हम जो सॉस बनाएंगे वो है चूना की ये कैन में मिलती है नॉर्मली ऑयल के अंदर कैन के अंदर रखी जाती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे अब इसकी सॉस की तैयारी करते हैं सॉस के लिए प्याज ले लें प्याज को बारीक हमने चॉप करना है ये प्याज हमने काट लिया है और गार्लिक को इसी तरह से इसके अंदर हम डालेंगे। अब एक पैन में थोड़ा मक्खन और थोड़ा तेल ये दोनों चीजें ले लें और इसके अंदर ये प्याज डालें और इसके साथ इसमें गार्लिक के क्लब्स ये दोनों चीजें डालकर इसे भूनना है हमने थोड़ा आप चाहें यदि आप गार्लिक इस तरह से नहीं खाना चाहते तो आप उसको क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं ये जो सॉस है ये टमाटो बेस्ड सॉस है इसके लिए इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को आप ब्लांच कर लें टमाटर को गर्म पानी के अंदर डुबो के उसका छिलका निकाल के डीसीड करके उसे चॉप करके डालेंगे इसमें हम ब्लास्ट टमाटर इसके अंदर डाल के इसे अब हम पकने देंगे इसे आप कुछ देर पकने दें अब ये जो स्पिनच फैतुचीनी है इसको हम पकाएंगे वैसे कुछ एपिसोड्स पहले मैंने फैतुचीनी किस तरह से बनाई जाती है स्पिनच फेतुचीनी किस तरह से बनाई जाती, जाती है वो बताई थी आपको इसे अब हम बॉईल कर लेंगे आप जब भी कोई पास्ता बॉईल करें एक बड़े बर्तन में खूब ज्यादा क्वांटिटी में पानी लेकर उसके अंदर पास्ता को पकाएं और साथ में तैयारी रखें एक छन्नी की ताकि इसको जब आपने निकालना हो तो आप टाइम वेस्ट ना करें वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते ये जो पास्ता है वो बहुत ज्यादा गल जाए ये जो पास्ता है इसको पकने में करीब आठ से दस मिनट लगते हैं लेकिन आप फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको टेस्ट करते रहें कि ये ज्यादा तो नहीं पक गया है जैसे चावल है अगर बहुत ज्यादा पक जाता है तो उसका मजा नहीं आता इसी तरह से जो पास्ता है उसको अगर आप ज्यादा पकाएंगे तो खाने में मजा नहीं आएगा वैसे तो ये सॉस टोमेटो प्यरे से भी बन सकती है लेकिन फ्रेश टोमेटो से बनाने में उसमें जो टेस्ट और टेक्सचर है वो एकदम फ्रेश रहता है अब इस टमाटर के अंदर हम डालेंगे टमाटो केचप और इसे सीजन कर लें इसमें डालें नमक और टी हुई काली मिर्च अब इसके अंदर हम डालेंगे टूना फिश जैसे मैंने आपको बताया ये टूना फिश कैन के अंदर मिलती है और ऑयल के अंदर रखी रहती है और साथ साथ ख्याल रखें पास्ता के ऊपर अब यह तैयार हो गया है इसे अब हम छान लेते हैं और अब इस सॉस में हम डालेंगे ड्राइड बेसिल फ्लेवर के लिए इसे मिक्स कर देते हैं अब ये सॉस भी रेडी हो गई है पास्ता भी रेडी हो गया है गर्मा गर्म पास्ता है इसको आप प्लेट में जिसमें सर्व करना है उसमें डाल लें और इसके बाद इसके ऊपर डालें गर्मा गर्म ये सॉस ट्यूना सॉस देखिए कितनी बढ़िया लग रही है डिश दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे कई ज्यादा अच्छी है टेस्ट में ये स्पिनच टूना सॉस आप मजा लें इस डिश का और मैं जाके तैयारी करता हूँ चॉकलेट ब्रेड एंड बटर पुडिंग इसके लिए को पानी के अंदर डालकर इसको पका लें और पकने पर इसको छानकर अलग रख लें अब एक पैन में मक्खन और तेल लेकर इसमें बारीक कटा प्याज और गार्लिक लोवस को डालकर इसको थोड़ा सौते करें उसके बाद इसमें कटे टमाटर डालकर इसको भी अच्छी तरह से मिला लें अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर इसको मिलाएं इसके बाद इसमें नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर इसको मिला लें उसके बाद इसमें ट्यूना फिश डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं उसके बाद इसमें ड्राइड बेसिल डालकर इसको मिलाएं अब बॉइल्ड स्पेनिश फी को एक प्लेट में डालें उसके ऊपर ये सॉस डालकर इसको सर्व करें पुडिंग दुनिया भर में जितनी मशहूर है उतनी ही हिंदुस्तान में भी पुडिंग्स मशहूर हैं तो देखते हैं एक पुडिंग जो चॉकलेट से बनी है और ब्रेड भी डली है मक्खन भी डाला है अंडे तो होंगे ही क्योंकि पुडिंग है तो देखते हैं चॉकलेट ब्रेड एंड बटर पुडिंग इसके लिए हमें चाहिए 6 से 8 ब्रेड के स्लाइस 5 अंडे 300 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम 300 मिलीलीटर दूध 50 ग्राम कोको पाउडर 100 ग्राम चॉकलेट ब्रेड पे लगाने के लिए मक्खन एक छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और तीन बड़े चम्मच चीनी सबसे पहले आप अंडे ले लें और अंडे में मिक्स करें चीनी और इसके बाद इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर ये जो कोको है इसे मिक्स करेंगे इसके अंदर और इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है चॉकलेट ब्रेड एंड बटर पुडिंग में जो चॉकलेट है उसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा कोको पाउडर से और चॉकलेट के साथ इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें डालें फ्रेश क्रीम और साथ साथ आप दूध को थोड़ा गर्म कर लें जो दूध है उसे आप थोड़ा गर्म कर लें और इसमें आप ब्रेड स्लाइसेस ले लें या ये जो ब्रेड रोल हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ब्रेड को इस तरह से लंबा लंबा काट लें आप चाहें तो ऑर्डनरी ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद इस ब्रेड के ऊपर आप मक्खन लगाएं इस तरह से अब ये मक्खन लगे हुए ब्रेड के स्लाइसेस इसको एक बेकिंग डिश के अंदर हम अरेंज करेंगे इस तरह से आप ब्रेड के पीसेस को लगा लें जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह के रोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑर्डनरी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से सजा दें आप ब्रेड को इस तरह से आप ब्रेड के पीसेस को लगा के रख लें। अब जो हमने दूध गर्म किया है उसको निकाल लेते हैं इसके बाद जो दूध हमने गर्म किया है उसके अंदर हम मिक्स करेंगे चॉकलेट ये ऑर्डनरी चॉकलेट है जो खाने वाली चॉकलेट होती है आप चाहें तो डार्क कलर की जो चॉकलेट होती है जो डार्क चॉकलेट होती है उससे इस पुडिंग का रंग अच्छा आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप गरम दूध के अंदर डालें थोड़ी और चॉकलेट जितनी बची हुई है सब डाल देते हैं क्योंकि चॉकलेट जितनी भी खाई जाए उतनी कम है चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों चॉकलेट सबको पसंद आती है अब इसके अंदर हम डालेंगे वेनिला एसेंस और इसे हम अंडे वाले मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देते हैं आप चाहें तो इसको एक महीन कपड़े में से छान भी सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो दाने हैं ये कोको पाउडर के हैं इसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए इसको एक कपड़े के अंदर से हम छान लेते हैं इसको छानने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने ब्रेड जिसमें मक्खन लगाया था उसके अंदर ये मिक्सचर डालेंगे देखिए कितना रिच चॉकलेट का कलर इसमें आ रहा है इस तरह से डालने के बाद इसको हम पकाएंगे प्री हीटेड के अंदर 170 डिग्री टेम्परेचर आप कर लें अपने अवन का 170 डिग्री सेंटीग्रेड 170 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका टेम्परेचर हो जाए अवन का उसके बाद इसको पकाएंगे इसके अंदर हम लेकिन इस तरह से नहीं इसको हम पकाएंगे एक बड़ी डिश लेकर उसमें पहले पानी डालेंगे और उसके बाद इस डिश को इसके अंदर रखेंगे अब इसे हम रखेंगे प्री हीटेड अवन के अंदर इस पुडिंग को गर्म ओवन में रखने के बाद 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब एक घंटे तक इसे हमने पकाना है आप जब भी इसको पकाएं इस नजर रखें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि में एक तो 170 बता रहा होगा लेकिन ज्यादा भी हो सकता है आप अगर नजर रखेंगे तो एक एक ये ये डिश एकदम बढ़िया बनेगी जो पुडिंग है एकदम ऐसी बनेगी कि आप खाते ही रहेंगे और इसमें इतना ज्यादा चॉकलेट का स्वाद है कि आप नॉर्मल ब्रेड एंड बटर पुडिंग बिल्कुल भूल जाएंगे मजा लीजिए इतनी बढ़िया इतनी टेस्टी इतनी डिलीशियस इतनी चॉकलेटी चॉकलेट ब्रेड एंड बटर पुडिंग का इसके लिए अंडे के अंदर चीनी कोको पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डालें और इसको भी अच्छी तरह से मिला लें अब गर्म दूध के अंदर चॉकलेट डालकर इसको अच्छी तरह से मिलाएं उसके साथ इसमें वनीला एसेंस डालें और इसको भी मिलाकर इसके अंदर अंडे और कोको पाउडर के मिक्सचर को डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें अब ब्रेड स्लाइस को काट कर इसके ऊपर दोनों तरफ मक्खन लगाकर एक बेकिंग डिश के अंदर इसको सेट करें और इसके ऊपर अंडे चॉकलेट और कोको पाउडर के मिक्सचर को डालें उसके बाद एक और डिश के अंदर पानी डालकर इसको डबल बॉयलर के ऊपर 170 डिग्री फेरनाइट पर एक घंटे तक पी ही टवन में पकाएं और सर्व करें